क्या लाया मेरे लिए? तो मेरे गुलाब जामुन का दुश्मन है, पर अच्छा है मेरी डाइट के लिए। सॉरी भूल गया, कल पापा को लेना होगा ना। जो वो खराब नहीं होंगे ना, एक दिन में खराब हो जाएंगे। तो मैंने रात खाए, बहुत अच्छा लगा, टेस्टी टेस्ट लगा। अभी आपके लिए वो मीठी पूरी चटनी लाल। ओह गॉड, आ रही हूं मैं खाने थोड़ा सा। तो बस दो ही खाऊंगी, हालांकि कंट्रोल करना मुश्किल है। आज अशोक साथ में कारपेंटर को भी लेके आया था, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम थे जो पेंडिंग थे, वो अशोक ने इन अंकल से करवा दिए। एंड आई एम ग्लैड कि सब कुछ हो गया। बहुत कुछ था जो बहुत ज़रूरी था, बट हो नहीं पा रहा था लॉकडाउन की वजह से। तो आज जो भी घर में काम चल रहा है उसकी वजह से मेरी डाइट कुछ भी नहीं हो पाई है, क्योंकि कुछ बन नहीं पाया प्रॉपर। और अभी मुझे अशोक के लिए और अशोक के लिए और जो काम करने आए हैं उनके लिए बाहर से बर्गर्स ऑर्डर करने हैं। और मेरा ये गुड डिसीजन है कि मैंने अपने लिए बर्गर ऑर्डर नहीं करना है, मैं ऑर्डर नहीं कर रही हूँ। और मैंने सिर्फ जो सुबह दो पूरी खाई थी वो खाई हुई है, और अब मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लूँगी। मैं ऑर्डर करती हूँ बर्गर्स, और पापा के लिए भी मैं ऑर्डर कर रही हूँ। मैं एक आलू टिक्की, जो कि मेरा फेवरेट भी है, बट मेरे को मैं आलू टिक्की विद चीज़ पसंद है, विद नो सैलड। तो मैं पापा के लिए भी ऑर्डर करती हूँ इन दोनों का, चिकन बर्गर और पापा का वेजिटेरियन बर्गर, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन हैं। हाँ नहीं, कौन है जहाँ के चाचू थे वहाँ के, लखनऊ की, हमीरपुर। अशोक बना रहे पापा की मक्की की रोटी। ये ऐसे बनेगी जी? ऐसे बनेगी, जो साधना है वो तो ऐसे ही बना देती है बिना इसके। है जो साधना नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा गेहूँ मिक्स करती है। अच्छा, मैंने गेहूँ मिक्स करा है। और मैं अपने लिए गर्म पानी गर्म कर रही हूँ, पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पूरियाँ खा ली थी, दो तीन चार पैया झूठ बोल। नहीं, मैंने दो पूरी चार पैया झूठ बोल रहे हो, ये झूठ बोल रहे हो। पापा का मैं आलू टिक्की है इसमें, और तुम दोनों का चिकन चिकन चल पापा की है। हाँ, मतलब चल खैर, कांच ओ माय गॉड। मेरे लिए ग्रीन टी एंड पापा और मनु के लिए हॉट कॉफ़ी। आज मैंने कॉफ़ी नहीं ली। बच्चों को मार दे जरूर। पापा के कुछ टेस्ट होने थे, तो हम लोग आए हैं डायग्नोस्टिक सेंटर पापा के टेस्ट कराने के लिए, और मैं यहाँ पर पापा का वेट कर रही हूँ। छोटा नहीं। मैंने सोचा दिन भर इतना हैवी हैवी खाना खाया, शाम में कुछ लाइट खाती हूँ, तो मैंने इडली सांभर लिए थे और मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे, मैंने नहीं खाया। क्या बना रखा है? एक बार हम जब वहाँ पे जाते थे बस यही है, बैग भी 360 रुपए। कनिका, तुझे ऐसे इयर रिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं ना, ये मेरे को मार्केट में दिखे थे तो मुझे तेरी याद आ गई, तो मैंने तेरे लिए ले लिए। तुझे बहुत अच्छे लगते हैं ना ये साड़ी के साथ, सूट के साथ। आई रियली होप कि तुझे पसंद आए होंगे। मैंने सोचा कि मैं सीधा वीडियो में ही डाल देती हूँ, पता नहीं तू कब मेरे पास आएगी, तो तेरे को शायद देख के अच्छा लगे। और जल्दी आ, और फिर हम और भी शॉपिंग करेंगे, ऐसी वाली छोटी छोटी वाली, बड़ी वाली नहीं। और आप लोग भी बताओ ये कैसे लग रहे हैं। मुझे तो ये हैवी हैवी पहने नहीं चाहते हैं, वैसे इतने हैवी होते नहीं है, ये हैबिट की बात है, मुझे नहीं पहने चाहते हैं। आप लोगों को कैसे लगते हैं ऐसे वाले?
और कौन से वाले अच्छे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ। और हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। आप लोग तब तक अपना ध्यान रखिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय योर लाइफ।